नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। UP SSC मुख्य सेविका की क्लास 6 है ये, और यहाँ पर हम लोग 40 क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही साथ जैसे मैं आपको टॉपिक वाइज लाइव डिस्कशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, और आगे आपको इनकी PDF भी मिलती रहेगी, जिसमें हमने आपके सिलेबस पर ही आधारित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक ले रखे हैं, जिन्हें आगे आने वाले 8 से 10 प्रैक्टिस सेट में, 8 से 10 क्लासेज में कवर करना है। उसके बाद बाकी के जो टॉपिक रहेंगे वो भी इसी प्रकार से कवर करेंगे, और उसके बाद आपको PDF देते हुए एक बार उसकी रिवीजन क्लास करेंगे, ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए सभी टॉपिक पर, और साथ ही साथ इन पर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस सेट तो चलता ही रहेगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कुछ जो टॉपिक हैं, स्वास्थ्य एजेंसियाँ हैं, मुख्य सेविका के कार्य हैं, वैधानिक संस्थाएँ, महिला एवं बाल विकास से सामाजिक स्थिति, इसी प्रकार से ये टॉपिक है। और कल हमने जो टॉपिक लिया था न्यूट्रिशन का, और न्यूट्रिशन क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों है शरीर के लिए, कमी के कारण क्या होते हैं, पोषक तत्व, उपापचय क्रियाएं, आधार क्रियाएं, कार्बोहाइड्रेट वसा, यहाँ तक हमने कल कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने कल वाला प्रैक्टिस सेट ना देखा हो, या कोई भी अगर आपने प्रैक्टिस सेट ना देखा हो 1 से लेकर के 5 तक, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वो सभी प्रैक्टिस सेट, वो सभी क्लासेज आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग यहाँ तक हो गया था, वसा तक हो गया था, आज हम लोग प्रोटीन करेंगे, प्रोटीन के बारे में समझेंगे। और एक बार अगर हम अच्छे से समझ गए इन सभी टॉपिक को, तो इसके बाद फिर इन पर जो बेस्ड ऑन क्लासेज होंगे, प्रैक्टिस सेट होंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्रति 10 ग्राम के हिसाब से कैलोरी भी हमने कल बताया था आपको, कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है प्रति 10 ग्राम, और प्रति 10 ग्राम प्रोटीन से भी 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन शरीर की अधिकांश कैलोरी या ऊर्जा के लिए जो कैलोरी की जो पूर्ति होती है, वो कार्बोहाइड्रेट से होती है शरीर के लिए। एक मनुष्य को लगभग 3000 कैलोरी ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता होती है उसके दैनिक क्रियाओं के लिए, शरीर के सभी क्रियाओं के लिए। और अगर यही गर्भवती स्त्री हो, या बढ़ने वाले वृद्धि वाले विकास के लिए वाले शरीर हो, तो वहाँ पर 4000 कैलोरी से भी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, बल्कि लगभग इसको आप 4500 कर लीजिए, इसका लगभग जो है 1.5 गुना, ये आपको याद रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रति 10 ग्राम से 4.1 कैलोरी, वसा के प्रति 10 ग्राम से 9.3 कैलोरी, और प्रोटीन के 10 ग्राम से 4.1 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। जब कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है शरीर को, उस स्थिति में शरीर वसा के विखंडन के फलस्वरूप उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश करता है। ऐसा कब होता है, जैसे कोई व्रत है, उपवास है, कार्बोहाइड्रेट वो नहीं ले रहे हैं, तो शरीर में जो वसा, जो फैट, जो एकत्र जो संचय होता है, उनसे फिर इन ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मान लीजिए कोई 2-3 दिन से बिल्कुल व्रत हो, उपवास हो, तो उसके बाद फिर जो प्रोटीन, फिर उनसे ऊर्जा का प्राप्त होता है शरीर को, उनसे ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन बेसिकली अमीनो अम्ल होते हैं, नाइट्रोजन के समूह होते हैं, ये दोनों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। वसा भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, लेकिन इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन के एटम भी होते हैं इस समूह में। तो बेसिकली प्रोटीन जो होते हैं एमिनो अम्ल होते हैं, नाइट्रोजनी समूह होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं। शरीर में प्रोटीन बेसिकली वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत के लिए, नए कोशिकाओं के वृद्धि विकास निर्माण के लिए प्रोटीन की नितांत आवश्यकता होती है। साधारण मनुष्य को प्रतिदिन 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रतिदिन 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और यह मात्रा केवल अवयवों के ह्रास की पूर्ति के लिए होती है,
और अगर यहीं पर गर्भवती स्त्री हैं, बढ़ने वाले विकास वाले वृद्धि के लिए शरीर हैं, तो यहाँ पर जो है 150 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है गर्भवती महिलाओं के लिए। और जो वृद्धि विकास वाले शरीर होते हैं, तो वृद्धि विकास का काल कब होता है आप सभी जानते हैं। प्रोटीन विविध एमिनो अम्ल से बना होता है, या फिर कह लीजिए कुल 20 प्रकार के अलग अलग एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। इनमें से 10 एमिनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनकी पूर्ति खाद्य पदार्थों से की जाती है, इन्हें साधारण एमिनो अम्ल कहते हैं। और 10 एमिनो अम्ल ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य शरीर नहीं बना सकता है, निर्माण नहीं कर सकता, उनको आहार से प्राप्त, माफी चाहूँगा, जो 10 एमिनो अम्ल होते हैं जिनको साधारण एमिनो अम्ल कहते हैं, इनका निर्माण शरीर में हो जाता है। लेकिन 10 एमिनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनका निर्माण शरीर में नहीं हो पाता है, बल्कि उनको खाद्य पदार्थों से अलग से प्राप्त करना होता है, उन्हें आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। और जिनका निर्माण शरीर में हो जाता है उनको साधारण एमिनो अम्ल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? तो प्रोटीन जो है विभिन्न खाद्य पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे गेहूं। गेहूं में एक प्रोटीन है जिसका नाम आप पहले यहाँ पे देख लीजिए, ग्लूटीन, ग्लूटीन या फिर ग्लूटेन, ठीक है, या इसी को ग्लूटेन भी कहा जा सकता है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ग्लूटीन या फिर ग्लूटेन। इसी प्रकार से मक्का हो गया, दूध हो गया, तो यहाँ से प्रोटीन की जो आवश्यकता की पूर्ति है उसको की जा सकती है। शाकाहारियों को प्रोटीन वनस्पति के प्रोटीन से प्राप्त होती हैं, जैसे इनमें दूध हो गया, दूध से बने पदार्थ हो गए, गेहूं, मक्का अभी हमने आपको बताया। तो जो शाकाहारी हैं और या फिर जो मांसाहारी हैं, ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रकार से प्रोटीन की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। जैसे आप देखेंगे अंडा है, दूध है, तो इनमें जो है लगभग सभी प्रोटीन इनसे प्राप्त हो जाते हैं, सभी जो भी अवयव होते हैं प्रोटीन के वो इनसे प्राप्त हो जाते हैं, जितने भी आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। इसी प्रकार से मांस हो गया, इसमें भी सभी प्रकार के आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। हमने आपको बताया कि 10 एमिनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर में हो जाता है अपने से, वो तो साधारण एमिनो अम्ल है, लेकिन जो 10 एमिनो अम्ल होते हैं जिन्हें खाद्य पदार्थों से प्राप्त करना आवश्यक होता है, उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल के लिए बात की जा रही है कि किन खाद्य या किन पोषक पदार्थों से इनको प्राप्त किया जाता है। सब्जियों में, एक ही प्रकार की सब्जी में सभी प्रोटीन तो प्राप्त नहीं हो पाते हैं, लेकिन विभिन्न सब्जियों के अलग अलग सब्जियों को प्रयोग करने से लगभग सभी प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसी तरह से हमने आपको बताया कि गेहूं के आटे में ग्लूटेन या फिर ग्लूटीन नामक एमिनो अम्ल होता है, तो उससे भी प्रोटीन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और गेहूं में ही लाइसिन पाया जाता है, लाइसिन, इसके बाद देखिए एक साधारण मनुष्य के लिए हमने आपको बताया कि 3000 कैलोरी वाला जो आहार है प्रतिदिन होना चाहिए। इनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन सभी से प्राप्त कैलोरी शामिल हैं, और इसमें अलग अलग कितना कितना होना चाहिए सभी से, अभी इसको भी लेकर के बताएंगे आपको। और अगर स्त्री और पुरुष बराबर अगर काम करते हैं, फिजिकल वर्क होता है या जो भी टोटल वर्क होता है शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए, तो लगभग इतना ही कैलोरी स्त्री को भी चाहिए। लेकिन जो पुरुष हार्ड वर्क करते हैं, कठिन काम करते हैं, उनके लिए 4000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। कैलोरी वाले से जो प्रश्न है ना, ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो साधारण मनुष्य के लिए 3000 कैलोरी लगभग स्त्री के लिए भी उतना ही, कठिन श्रम करने वाले पुरुषों के लिए 4000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, आहार की आवश्यकता होती है। 12 वर्ष से अगर कम उम्र के बच्चे हैं, 12 वर्ष से अगर कम उम्र के बच्चे हैं, तो लगभग इनको 3000 से 4000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। और अगर यहाँ पर 14 से लेकर के अगर 18 वर्ष तक के बच्चे यहाँ पर अगर हैं, तो इनको यहाँ पर 2800 से लेकर के 3000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। वृद्धि विकास के लिए ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, हमने आपको बिल्कुल वीडियो के प्रारंभ में ही बताया।
तो ये 12 से 18 वर्ष की अगर यहाँ पे लड़की है, बालिका है, फीमेल है, उसके लिए यहाँ पर इतना है कैलोरी। और अगर यही बालक है तो उसके लिए लगभग यहाँ पर 3000 से लेकर के 3400 कैलोरी। ठीक है, तो एक सामान्य मनुष्य को 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, उतने आहार, उतने कैलोरी वाला आहार उसे प्रतिदिन लेना आवश्यक होता है। कठिन अगर श्रम करने वाला है तो उसके लिए 4000 कैलोरी। 12 वर्ष से कम के बच्चे हैं तो 3000 से लेकर के 4000 कैलोरी तक की उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 14 से 18 वर्ष के बच्चे हैं तो उन्हें 2800, बालिका अगर है तो 2800 से लेकर के 3000 कैलोरी का जो आहार है वो पोषण के लिए ठीक होता है। और अगर 14 से लेकर के 18 वर्ष तक का बालक है तो उसके लिए 3000 से लेकर के 3400 कैलोरी का आहार मिलना प्रतिदिन आवश्यक होता है न्यूट्रिशन के अंतर्गत। तो एक बार हम लोग यहाँ पर जो सामान्य मनुष्य के लिए 3000 कैलोरी की प्रतिदिन की आवश्यकता होती है तो इनमें कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, वसा कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, ये सभी अलग अलग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें जो है 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, 400 ग्राम प्रतिदिन के भोजन में। वसा की 100 ग्राम की आवश्यकता होती है प्रतिदिन के भोजन में, और 100 ग्राम ही प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें प्राप्त होती है 9.1 कैलोरी ऊर्जा। तो अगर 400 ग्राम होगा तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा कितना, 1640 कैलोरी। वसा के 10 ग्राम से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अगर वसा 100 ग्राम होगा तो कितना हो जाएगा, 930 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, एक ग्राम का हमने बताया होगा ना, एक ग्राम पर ग्राम के हिसाब से हमने बताया होगा कि एक ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट है तो 4.1 कैलोरी, एक ग्राम अगर यहाँ पर वसा है तो 9.3 कैलोरी। शायद हमने 10 ग्राम वहाँ पे बोल दिया था बाई मिस्टेक, तो एक ग्राम आपको समझ के चलना है, एक ग्राम है। ठीक है, तो एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी, तो 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1640 कैलोरी। इसी तरह से एक ग्राम फैट से, वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 100 ग्राम अगर वसा फैट होगा तो 930। इसी तरह से एक ग्राम प्रोटीन से भी हमने बताया था कि लगभग कार्बोहाइड्रेट के बराबर ही ऊर्जा प्राप्त होती है कैलोरी, 4.1 कैलोरी। तो अगर यहाँ पर 100 ग्राम प्रोटीन आहार में लेना प्रतिदिन आवश्यक है तो इससे कितना कैलोरी प्राप्त हो जाएगा, तो लगभग यहाँ पे जो है 430 कैलोरी के आसपास। प्रोटीन में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, जैसे इसमें है 4.1 कैलोरी प्रति एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, तो प्रोटीन से आप इसको 4.2 मान लीजिए लगभग, तो 430 इसको लगभग मान लीजिए आप। और ये पूरा अगर आप यहाँ पर ऐड करेंगे ये पूरा, तो आपको जो है लगभग इतना ही मिल जाएगा, 3000 कैलोरी। तो मतलब प्रतिदिन की जो आहार की जो आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के रूप में अलग अलग, कार्बोहाइड्रेट 400 ग्राम 1640 कैलोरी, वसा 100 ग्राम 930 कैलोरी, प्रोटीन 100 ग्राम 430 कैलोरी। और प्रति एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, प्रति एक ग्राम वसा से, प्रति एक ग्राम प्रोटीन से कितनी कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, तो उसी हिसाब से हमने इन क्वांटिटीज के लिए भी निकाल लिया। और सबको ऐड करने पर एक सामान्य, एक साधारण मनुष्य के लिए जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों आ गए बराबर कार्य करने वाले, 3000 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। और कठिन श्रम करने वाले अगर पुरुष हैं तो 4000 कैलोरी, अगर बच्चे हैं 12 वर्ष से कम उम्र के तो 3000 से लेकर के 4000 कैलोरी, 14 से 18 वर्ष की लड़की है तो 2800 से लेकर के 3000 कैलोरी, 14 से 18 वर्ष तक का लड़का है तो 3000 से लेकर के 3400 कैलोरी का प्रतिदिन जो है आहार उसे मिलना आवश्यक होता है। तो आज कौन कौन से टॉपिक कवर हो गए, यहाँ पर प्रोटीन यहाँ पर कवर हो गया, आहार की आवश्यकता कैलोरी में यह यहाँ पर कवर हो गया। इसके बाद देखिए प्रतिदिन के आहार में भिन्न भिन्न पोषक पदार्थों का अनुपात प्लस विटामिन व खनिज तत्व, इन्हें हम आगे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और इसी के साथ जो है खनिज तत्व और विटामिन ये पूरा उसी में कवर हो जाएगा। तो आज का सेशन स्टार्ट, आज का प्रैक्टिस सेट, आज के क्लासेस स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट वाला। ये तो यहाँ तक डिस्क्रिप्टिव हो गया, आप सभी के लिए डिस्कशन हो गया टॉपिक वाइज, जो कि डेली आपको मिलेंगे क्लास के शुरू में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस कारण समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं,
आपको बताना है राइट आंसर। तो जब एक निषेचित अंडे का दो भागों में विभाजन तथा दोनों भाग अलग हो जाएं, तो उस स्थिति में समान जुड़वा बच्चे पैदा होने की संभावना होती है, या फिर समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है निषेचित अंडा, फर्टिलाइज्ड अंडा जो होता है एक होता है, इसी का दो भागों में अगर विभाजन हो जाता है तो उस स्थिति में दोनों भाग अलग हो जाएं और उनसे जो है फिर समान जुड़वा बच्चों के जन्म लेने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर नीचे है। गर्भवती स्त्रियों में सामान्य ब्लड ग्रुप की जांच के अलावा रक्त के एक और तत्व की जांच की जाती है जो बहुत आवश्यक है, इसे क्या कहा जाता है? गर्भवती स्त्रियों में सामान्य ब्लड ग्रुप की जांच के अलावा रक्त के एक और तत्व की जांच की जाती है। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर, और आप सभी आंसर जरूर करते चलेंगे। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट करके, क्वेश्चन नंबर लिख करके उसके आगे कौन सा ऑप्शन सही है ये आप जरूर बताते रहें। तो आरएच फैक्टर या आरएच कारक की जांच की जाती है। आप देखेंगे कुछ बच्चे जो होते हैं जन्म लेते ही उनमें समस्याएं आ जाती हैं, कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, तो आरएच फैक्टर की वजह से ये होता है, तो इसकी भी जांच आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 43, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को निम्न में से किस संरचना द्वारा पोषक तत्व मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा के द्वारा ही गर्भस्थ शिशु माँ के साथ जुड़ा होता है और इसी एक तरह से नाल होती है और इसी प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण को सभी जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो प्राप्त होते रहते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो किस वजह से रोता है? तो श्वसन क्रिया आरंभ होते ही वह रोने लगता है, श्वसन क्रिया का आरंभ होता है जन्म लेते ही। क्वेश्चन नंबर 44, लिंगी जनन में अलिंगी जनन की अस्थापन्नता को कहा जाता है। एपोमिक्सिसस कहा जाता है लिंगी जनन में अलिंगी जनन की अस्थापन्नता को। 44 का यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्यों में लिंग सहलग्न लक्षणों की वंशागति मुख्यतः होती है किस वजह से? यक्ष गुणसूत्र से, कि यहाँ पर वायु गुणसूत्र से होगा। थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन आप सभी क्लियर करिए, इसमें मैं थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में। जैसे आप देखेंगे अगर एक्स वाई ये कम्बिनेशन होता है तो यहाँ पर ये मेल, और अगर एक्स एक्स गुणसूत्र क्रोमोसोम अगर कम्बिनेशन होता है तो यहाँ पर फीमेल। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग कन्फर्म करिए, इसको अभी हम यहाँ पर डाउट में रख रहे हैं, इसमें दोनों में से कौन सा आंसर होगा। अगर आपको बिल्कुल कन्फर्म पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी वंशानुगत हेरिडिटरी होती है? तो ये नहीं होता विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, ये भी नहीं होता दूर दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, और इस प्रकार के दोष में माफ़ी चाहूँगा, इस प्रकार के दोष में उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, और जब नज़दीक की दिखाई दे दूर की न दिखाई दे तो वहाँ पर अवतल लेंस लगाना पड़ता है। तो इसका भी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। लेकिन जो यहाँ पर यह है कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता, यह एक वंशानुगत बीमारी होती है और इसका वाहक जो है लड़कियाँ होती हैं, और इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना होगा तो हम आपको बता देंगे। तो बस यहाँ पर इतना आप जानते रहिए, वंशानुगत बीमारी पूछा गया तो यहाँ पर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, हीमोफीलिया में क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है, हीमोफीलिया। 47 का बी इज द राइट आंसर। आप लोग भी आंसर करते चलेंगे, साथ ही साथ क्लास कैसा लगा आपको ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।
वीडियो को आप सभी लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, आपको ये डेली क्लासेज मिल रही हैं बिल्कुल फ्री, आप कास्ट मिलेंगी आपको आपकी एग्ज़ाम तक, साथ ही साथ आपको PDF भी टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारे मिलते रहेंगे, अभी फ़िलहाल में हम नहीं दे पा रहे हैं लेकिन आपको PDF भी देंगे विद आंसर। और अभी हम जो टॉपिक कवर करा रहे हैं आपको वीडियो के प्रारंभ में, उन टॉपिक पर भी आपको हम PDF प्रोवाइड कराएंगे, पॉइंट टू पॉइंट करके उसमें नोट्स बना करके आपको वो PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है? ये तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, इसका आप सभी जानते हैं, जब ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बढ़ने लगती है, शर्करा की मात्रा, उसकी वजह से मधुमेह होता है। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोवा की वजह से बीमारी होती है। तो यहाँ पर एक ही बचा ऑप्शन, हाइपरटेंशन, तो ये भी संक्रामक बीमारी नहीं है। तो फिर इसमें कौन सा बीमारी संक्रामक है? मलेरिया, क्योंकि इसमें जो होती है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर किसी को काट कर आई, फिर वही मच्छर किसी और को, किसी अन्य को भी उन्होंने काट लिया, तो एक तो ऐसे भी फैलेगा, प्लस वो वाहक होते हैं प्रोटोजोवा का, वह प्रोटोजोवा जो कि मलेरिया बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है, तो यहाँ पर मलेरिया हो जाएगा संक्रामक रोग के अंतर्गत, 48 का ए। दमा श्वास रोग है, निम्न में से कौन इसका कारण है? दमा या फिर अस्थमा, फेफड़ों की भित्तियों में पेशियों का संकुचन की वजह से दमा या फिर अस्थमा नामक श्वास रोग की बीमारी होती है। 49 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, पोलियो वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है? पहले पोलियो वायरस का वैक्सीन टीका जो इंजेक्शन लगाने वाला आया था, फिर बाद में जो है मुंह से लेने वाला आ गया था पोलियो वायरस का, तो किनके द्वारा उनकी खोज की गई थी या फिर कब से कब वो प्रारंभ हुआ था, ये सब चीज़ें इतना डिटेल में इसे पूछा तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। बट जितनी बीमारियाँ आपके सिलेबस में हैं उनसे संबंधित कोई भी हमें टॉपिक नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाला राइट आंसर, दूषित जल तथा खाद्य पदार्थ के कारण। क्वेश्चन नंबर 51, काला जार रोग का रोगाणु निम्न में से कौन सा है? तो काला जार जो रोग है, इसका जो रोगाणु होता है लैशमैनिया के कारण जो है ये होता है, लैशमैनिया। संक्रामक रोगों जैसे हैजा को रोकने के लिए आवश्यक होता है। तो हैजा बेसिकली गंदगी की वजह से होता है, जो गंदे खाद्य पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, उनकी वजह से होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, लोगों को यह शिक्षा देना कि वे उबले पानी का उपयोग करें तथा खुले वातावरण में रखे भोजन न खाएं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किसका संबंध डिप्थीरिया रोग से है? तो डिप्थीरिया एक जो है कंठ की बीमारी होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 53 का सी, जीवाणु जनित रोगों की औषधियाँ अधिक होती हैं जबकि विषाणु जनित रोगों की नहीं, ऐसा क्यों होता है? जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ होती हैं उनके लिए तमाम इलाज हो जाते हैं, लेकिन जो वायरस या विषाणु से जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे आप कोरोना वायरस देख लीजिए, तो उनके लिए इलाज कम होते हैं, ऐसा क्यों होता है? सभी जो वायरस होते हैं ये परपोषी होते हैं और उनके चारों ओर प्रोटीन का एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। मतलब जो वायरस होते हैं ऐसे तो बाहर रहेंगे तो लगेगा कि वो मर चुके हैं, निर्जीव हैं, लेकिन जैसे ही शरीर में जाते हैं एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए वायरस या विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन टॉपिक है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। वायरस को, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। इन्हें क्रिस्टल के रूप में, बिल्कुल निर्जीव अवस्था में, इन्हें बोतलों में भर के रखा जा सकता है और जैसे ही किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं तुरंत ये एक्टिव हो जाते हैं और अपने चारों तरफ प्रोटीन का एक सुरक्षात्मक आवरण बना लेते हैं। इसी वजह से इनको भेदना थोड़ा सा कठिन होता है। 54 का बी। 55 देखिए, पीलिया जॉन्डिस रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? आसान सा क्वेश्चन है, लीवर, यकृत से। और लीवर ही शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है।
शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हमने आपसे पूछा था कल वाले प्रैक्टिस सेट में, तो उसका आंसर आया नहीं किसी का, या आया होगा हमने देखा ना हो, तो अगर आपको पता हो तो आप आज बता दीजिए। और शरीर की एकमात्र मिक्स्ड ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय या फिर पैंक्रियाज ग्लैंड होती है। निम्न में से किस रोग का वाहक घरेलू मक्खी नहीं है पूछा है, मतलब तीन ऐसे हैं जिनका वाहक घरेलू मक्खियां होती हैं, एक कोई ऐसा है जिसका वाहक घरेलू मक्खी नहीं होती, वही आपका आंसर होगा। तो टाइफाइड इसका वाहक होते हैं घरेलू मक्खियां, गंदे पानी पीने से ये ज़्यादातर होता है टाइफाइड की बीमारी। हैजा ये भी गंदे खाद्य पदार्थ गंदे पानी पीने से होता है। पेचिस इसका भी सेम कारण है, लेकिन जो पीला ज्वर या पीत ज्वर होता है इनका वाहक, इस बीमारी के लिए इनका वाहक घरेलू मक्खियां नहीं होती हैं, तो इस प्रश्न के लिए यहाँ पर राइट आंसर होगा बी। 57 देखिए इसके बाद, निम्न में से कौन सा रोग रोगी को एक बार हो जाने के बाद प्रायः पुनः आक्रमण नहीं करता है। चिकन पॉक्स 57 का डी। 58 खसरा रोग निम्न में से किसके कारण होता है, ये आपके सिलेबस में है। तो खसरा रोग का जो वाहक होता है वो वायरस होता है, ये वायरस के कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजोवा के कारण होता है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है, मतलब तीन ऐसी बीमारियां यहाँ पर है जो जीवाणुओं के कारण होते हैं, बाकी एक बीमारी ऐसी होगी जो जीवाणुओं की वजह से नहीं होती, मतलब उनका वाहक बैक्टीरिया नहीं है, जीवाणु नहीं है। चिकन पॉक्स ये वायरस से होने वाली बीमारी है, जबकि जो ये तीनों हैं ट्यूबरकुलोसिस हैजा प्लेग ये सभी बैक्टीरिया जन्य या फिर जीवाणु जन्य बीमारियां हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किसके कारण एथलीट्स फुट नामक बीमारी होती है, फंगस के कारण, ये फंगल बीमारी होती है एथलीट्स फुट। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, इंटेस्टाइन जो आंत होती है वो प्रभावित होती हैं, इसी वजह से आप देखेंगे टाइफाइड होने पर भूख या भोजन जो है बिल्कुल अप्रिय लगने लगता है, प्लेटलेट्स तेजी से डाउन होते हैं। टाइफाइड रोग में साधारणतः दी जाने वाली दवा का नाम है, दवा बताइए, क्लोरोमाइसिटीन। 62 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, कैंसर संबंधित है तो जो ऊतक होते हैं, ऊतक की जो सेल्स होती हैं, बेसिकली ऊतक सेल से बनेंगे, कोशिका ही तो सबकी आधारभूत इकाई होती है, पूरे शरीर के निर्माण के लिए सबसे पहले कोशिका ही होती है, जितने भी शरीर में कोई भी पार्ट्स हैं चाहे बोन हो चाहे अस्थि या फिर ऊतक हो टिश्यूज हो, तो सभी के निर्माण किन से होते हैं, सेल से ही होते हैं, तो कोशिका के या फिर ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से जब उनकी वृद्धि जो है ज़्यादा होने लगे तो उसकी वजह से कैंसर बन जाता है, कैंसर होता है। 64 देखिए यहाँ पर, डायबिटीज के रोगी के शरीर का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है, अग्नाशय। 65 उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन वाले रोगियों की रक्त वाहिनियों में एक पदार्थ जमा हो जाता है जिससे वे संकरी हो जाती हैं, यह पदार्थ क्या कहलाता है, तो इसके बारे में हमने आपको प्रीवियस वाले क्लास में बताया था, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के जमा होने की वजह से धमनियों में जो रक्त का प्रवाह है वो आसानी से नहीं हो पाता है। 66 निम्न में से कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है, ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है, रेबीज। 67 जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है वे निम्न रोग से ग्रसित हो जाएंगे, तो विटामिन डी का स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहा जाता है,
तो यहाँ पर विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स नामक बीमारी होती है। अगर धूप नहीं मिलेगा, जिन बच्चों को प्रकाश नहीं मिलेगा प्रॉपर, सुबह की धूप लेना आवश्यक होता है। दोपहर की ऐसा नहीं, बहुत तेज़ धूप नहीं, सुबह की धूप, जो सुबह की किरणें होती हैं, तो रिकेट्स रोग से वह बच्चा पीड़ित हो जाएगा क्योंकि उसमें विटामिन डी की कमी हो जाएगी। 68, यदि किसी के मसूड़ों से रुधिर आता है तो उसे अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है, इसमें होठों मसूड़ों से जो है फटने लगते हैं, वहाँ से खून निकलने लगता है, तो उसे अधिक मात्रा में विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। और विटामिन सी जिनमें पाया जाता है उन पोषक पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे नींबू, संतरा। 69, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? मतलब एक युग्म सुमेलित नहीं है, बाकी सभी युग्म सुमेलित हैं। नहीं, एक युग्म सुमेलित है, बाकी तीन युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो घेंघा रोग होता है ये आयोडीन की कमी से होता है, ये तो सुमेलित है और यही आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। बाकी जो पेलाग्रा रोग है ये विटामिन बी की कमी से होता है। वर्णांधता रोग एक आनुवांशिक बीमारी होती है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इसके बाद बच्चों में क्रिटिनिजम रोग किसकी कमी से होता है? थायरॉक्सिन की कमी से होता है, थायरॉक्सिन की कमी से होता है। 70 का डी। 71 देखिए, पायरिया किस अंग की बीमारी है? दांतों की बीमारी है। 71 का डी। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाया जाता है? आप हमें बस इतना बताइए, BCG का टीका जो है किस बीमारी से बचाव करता है, इतना हमें आप बताइए कमेंट करके तुरंत। तो जन्म के तुरंत बाद BCG का टीका लगाया जाता है, जन्म के तुरंत बाद। 73 देखिए, यहाँ पर विटामिन B9 जिसका नाम है फोलिक एसिड, ये पाया जाता है, तो ये सब्जियों में भी पाया जाता है, ब्रेक में भी पाया जाता है, लीवर में भी पाया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। विटामिन बी और सी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, इसीलिए शरीर में इनका संचय नहीं हो पाता, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के ये जल में अघुलनशील होते हैं। विटामिन बी जो होता है B1 से लेकर के B12 तक ये होता है, एक पूरा वी समूह होता है। B1 जैसे है तो इसका नाम होता है थायमीन, इसकी कमी से बेरी बेरी नामक बीमारी होती है। विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 है पायराडॉक्सिन, विटामिन B3 है B4 है, इसी तरह से B7 हो गया, B9 हो गया, B12 हो गया। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा करते हैं। 74 का बी। मानव शरीर को इन्फेक्शनों से बचाने का कार्य निम्न में से कौन करता है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। हमने आपको ब्लड के बारे में बताया था कि मान लीजिए ये ब्लड कि हमने यहाँ पर एक सेल ले लिया, तो इसमें जो है 60% प्लाज्मा होते हैं और 40% इसमें जो होते हैं रुधिराणु होते हैं, और ये जो रुधिराणु होते हैं इनमें तीन तरह के रुधिराणु होते हैं। एक होता है आपका लाल रक्त कोशिकाएं RBC, दूसरा होता है WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। RBC ये ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करते हैं, श्वसन क्रिया में सहायता करते हैं, और WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं ये शरीर की प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, इन्फेक्शनों से बचाने का कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 76, स्टरलाइजेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है ऑटोक्लेव, यहाँ पर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, स्टरलाइजेशन। रक्त में एंटीबॉडी तथा एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 77 का सी इज द राइट आंसर। 78 देखिए, यहाँ पर
जो विभिन्न स्वास्थ्य एजेंसियां हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन आना ही आना है, यूनिसेफ है, यूएनडीपी है, डब्ल्यूएचओ है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जेनेवा में। 79, खुजली का रोग स्कैबीज निम्न में से किससे होता है, किसके कारण होता है? तो ये जो है कवक जन्य बीमारी होती है स्कैबीज। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, सेशन कैसा लगा आप सभी को? थोड़ा सा आप लोग अगर कोई भी अगर आपको कमी लगे सेशन में या क्लासेज में तो आप उसके बारे में भी ज़रूर बताएं ताकि उसको हम सही कर सकें। साथ ही साथ सेशन कैसा लगा आपको ये भी आप कमेंट करके बताएं, और वीडियो को आप लोग लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप ज़रूर करते रहें। साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हो या फिर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, और इसके पिछले के जो भी प्रैक्टिस सेट क्लासेज अगर आपने ना देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। एक नदी में जल प्रदूषण किसकी घुलित मात्रा से मापा जाता है? ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है, इसी को बोला जाता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो इसका मतलब क्या है, नदी का जल प्रदूषित है या कोई भी जो जल है प्रदूषित है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि उसमें ज़्यादा कुछ ऐसे जो उसमें कोई भी, जैसे आप देखेंगे कि एक जो पौधा होता है जो तेज़ी से अपना विस्तार करता है और ऑक्सीजन की खपत भी करता है तेज़ी से, तो इसके बाद क्या होता है कि फिर उस पानी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और उसमें जो रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से फिर उनकी मृत्यु होने लगती है। तो इसी को बोला जाता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी मात्रा जो है एक लिमिट से ज़्यादा होने पर वह पानी जो है प्रदूषित माना जाता है। कोई भी अगर आप देखेंगे पानी गंदा है, कोई भी उसमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, सूक्ष्म जीव भी हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पानी जितना ज़्यादा गंदा होगा उसमें भी ज़्यादा उनको ऑक्सीजन चाहिए होगा वहाँ पर। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर ऑक्सीजन की जो खपत होती है ऑक्सीजन की मात्रा से इसको डिसाइड किया जाता है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे क्लास 7 में और वहाँ पर टॉपिक भी कवर करेंगे वीडियो के प्रारंभ में जो हमने आपको बताया है, और उसके बाद फिर आगे के जो है 40 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का सेशन भी पिछले सेशन की भांति काफ़ी पसंद आया होगा, और आप सभी की कंप्लीट तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से होगी। पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा अच्छे से, उसको बार बार रिविज़न भी किया जाएगा, और एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होगा जो आपके पढ़ाए हुए से बाहर का हो, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत मिलता जुलता हर क्वेश्चन आपको लगभग हम टच करेंगे, ताकि एक आप अच्छा स्कोर कर सके मुख्य सेविका की भर्ती में और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके, आपकी एक सीट पक्की हो सके। धन्यवाद।